सबसे पहले हम यूज करते हैं कांस्टेंट नंबर्स हैं हमारे पास, वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार अननोन क्वांटिटीज होती हैं जिनका हमें पता करना होता है मैथमेटिक्स में, और उन अननोन क्वांटिटीज का पता करने के लिए हम उनकी जगह क्या रखें, ये प्रॉब्लम थी। तो उसको सॉल्व किया गया विद द यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम उस अननोन क्वांटिटी की जगह रखने के लिए, और फिर उसकी वैल्यू जो कैलकुलेशन से आएगी वो हम देख लेंगे, ठीक। चलिए, सो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को मिला के टर्म बनती है। वेरिएबल्स क्या यूज करता हूं मैं? जर्नली एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स स्मॉल केस में, ये वेरिएबल्स के तौर पे यूज करता हूं। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिला के बनती है टर्म्स। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को मिला के टर्म बना ली मैंने, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट टू है, यहां वन भी हो सकता है, सिर्फ अगर मैं एक्स लिखता हूं इसका मतलब क्या है, इससे वन मल्टीप्लाइड है, ऑलवेज ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एक्स लिखा है इसका मतलब वन इसके मल्टीप्लीकेशन में है, गॉट इट, इसके मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये जो कांस्टेंट है, जो मल्टीप्लाइड है इस वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, COEFFIENT, इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। इन टर्म्स को ये जो टर्म्स बनेंगी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के मल्टीप्लाई करने से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा मैं यहां, इन टर्म्स को जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2x plus 5, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन। इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और हम सिंपली बोलेंगे इनको एक्सप्रेशंस, ठीक। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इससे भी पावर मल्टीप्लाइड है, इससे भी मल्टीप्लाइड है वेरिएबल, बट उसकी पावर क्या है? जीरो है। फाइव से भी क्या है? मल्टीप्लाइड है वेरिएबल, बट उसकी पावर क्या है? जीरो है। और किसी की भी पावर जीरो, यानी एक्स की पावर जीरो भी वन, किसी की पावर जीरो होगी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? वन, ठीक। चलिए, अब ये जो एक्सप्रेशंस मुझे मिले, इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं तो ये पॉलिनोमियल्स में चेंज हो जाएंगे, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर्स में। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर्स में है तो वो फिर एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिंपल बात है, होल नंबर जानते हो, 0, 1, 2 up to infinity, ठीक है। कोई डेसिमल वाली वैल्यू इसमें नहीं आएगी ना, फ्रैक्शनल नंबर्स इसमें नहीं आएंगे, डेसिमल नंबर्स इसमें नहीं आएंगे, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, ठीक है। सो होल नंबर में अगर पावर है वेरिएबल की, ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या कहूंगा मैं? पॉलिनोमियल्स कहूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास गिवन है 2√x + 5 और 2x² + 5, तो इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है? नीचे वाला 2x² + 5, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर किसमें है? होल नंबर्स में है, बट यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर्स में नहीं है, क्योंकि रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स की पावर 1/2, एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। सो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये जो है ये पॉलिनोमियल है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या चाहिए? वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब इनका क्लासिफिकेशन है, जो पॉलिनोमियल्स हैं इनका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, देखिए, एक बुक भी खोल लेना भाई, ठीक है। आगे जैसे ये अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर टॉपिक्स बताऊंगा ना तो उसमें काम आएगी, बुक भी खोल लेना। अभी ध्यान दो इधर,
अब इनका पॉलिनोमियल्स, अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशंस नहीं डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ बताने के लिए था, डिफरेंशिएट करने के लिए था। सो पॉलिनोमियल्स जो है उनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितनी है, दूसरा डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने के दो तरीके, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एक पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, चलो 2x इंटू 3y प्लस 6, कितनी टर्म्स हैं इसमें, दो टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं भाई, कोई और आंसर, तीन टर्म्स हैं, नहीं इसमें दो ही टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है ना, वो एक ही टर्म है एक्चुअल में, क्योंकि देखो इनको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 2 into 3 6, एक्स इंटू वाई 6xy+6। ठीक है, तो एक टर्म हो गई ये, एक टर्म हो गई ये, दो ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, तो दो टर्म्स हैं इसमें, टर्म्स का पता कैसे लगाओगे कि ये टर्म्स हैं, बीच में प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन हो या फिर एडिशन का, वो सेपरेट करते हैं टर्म्स को। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड डिविजन जो है वो तो आप परफॉर्म कर दोगे, उससे टर्म्स डिफ्रेंशिएट नहीं होंगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, सो जितनी टर्म्स होंगी उसके हिसाब से आप उसका नाम लिख दोगे। तो सिर्फ एक टर्म है तो बायनोमियल, सिर्फ एक टर्म है तो बायनोमियल, जैसे 2 है सिर्फ, सो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और कौन सा है, बायनोमियल। हाँ बायनोमियल नहीं, सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल। ठीक है, MONOMIAL, मोनोमियल। ठीक है, तो ये जो है 2 सिर्फ एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, बाय मतलब 2। ठीक है, मोनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है क्या, पहले तो ये बताओ, नहीं है पॉलिनोमियल, है ये पॉलिनोमियल। अब तुम इसमें क्यों नहीं बता रहे इसको पॉलिनोमियल, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं, इसमें वेरिएबल है बेटा x की पावर 0। ठीक है, समझ आई बात। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि यहां वेरिएबल की पावर क्या है, 0, और पावर 0 होने के कारण वो क्या हो गया, 1, यानी कि आपको मिल गया सिर्फ 2। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे इसको, बट ये भी एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और देखो वेरिएबल की पावर भी 0 है, और 0 क्या होता है, होल नंबर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये भी क्या कहलाएगा, सिर्फ कांस्टेंट कोई वैल्यू है, मान लो 7 है, तो आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दो इसको। ठीक है, सो ये सिर्फ एक टर्म है, 2x² हो गया, तो ये सिर्फ एक टर्म है, यानी ये क्या हो गया, मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, सिंपल सी बात, जैसे ये था 6xy+6, दो टर्म्स हो गई। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हों, 2x² + 6x - 9, ये क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया, तीन टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जितनी डिग्री होगी उससे एक नंबर ज्यादा मैक्सिमम आपके पास, एटमोस्ट उससे एक नंबर ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिग्री, अच्छा डिग्री मैंने अभी बताई नहीं है, डिग्री बता देता हूं पहले। ठीक है, ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल ये पता चल गया ना। ठीक है, इससे आगे अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम उसमें कोई स्पेशल नाम नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स या फिर 5 टर्म्स या फिर 6 टर्म्स, लाइक दैट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो भी यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में, वेरिएबल एक से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में वही पॉलिनोमियल्स हैं जो सिंगल वेरिएबल यूज करते हैं, या तो आपको एक्स मिलेगा या फिर वाई ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हैं हमारे सिलेबस में, और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, फॉर एग्जांपल 2x²
माइनस नाइन एक्स प्लस सिक्स है, तो इसमें वेरिएबल ये भी है, ये भी है, और यहां भी वेरिएबल है एक्स की पावर जीरो करके, है या नहीं? इन वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या है? टू है. सो दिस विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, और जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा टर्म, एटलीस्ट एक नंबर ज्यादा आपको टर्म्स मिल जाएंगे. जैसे अगर डिग्री टू है तो टोटल नंबर ऑफ एटमोस्ट सब ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी टर्म्स मिल सकती हैं? तीन टर्म्स मिल सकती हैं. लिख तो आप एक भी सकते हो, आपने सिर्फ लिख दिया टू एक्स स्क्वायर. नाइन ये एक्स है, ये एक्स की पावर जीरो है, वन है तो सिर्फ सिक्स हुआ ना. ठीक है, ये सिर्फ सिक्स हुआ, तो नाइन एक्स और सिक्स इनमें फिर मैं कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाऊंगा, अलग टर्म ही कंसिडर करके चलूंगा इसको. ठीक है ना, चलो जी. फैक्टर तो वो तो आंसर है, वो तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है. जितना डिग्री होगा ना उतने फैक्टर्स होंगे. अगर हाईएस्ट डिग्री टू है तो फैक्टर इसके टू होंगे, या फिर आपको जीरो जिसके टू मिलेंगे मैक्सिमम. ठीक है, वैसे ही मैं टर्म्स की बात बता रहा हूं. जितनी मैक्सिमम डिग्री है, जितनी मैक्सिमम डिग्री है उससे एक नंबर ज्यादा आपको मैक्सिमम उसकी टर्म्स मिल सकती है. मिनिमम तो क्या है, एक भी मिल जाएगी आपको. जैसे टू एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, डिग्री इसकी हाईएस्ट टू है, टर्म कितनी है इसमें? एक ही है. बट मैक्सिमम टर्म्स इसमें कितनी लिख सकता हूं मैं? तीन ही लिख सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा. क्योंकि देखो, इससे डिग्री कम एक इस टर्म की आ गई, उससे डिग्री कम यहां आ गई. अब उससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव में मैं रख नहीं सकता, क्योंकि होल नंबर में होनी चाहिए और वो खत्म हो चुका है. ठीक है, चलो जी. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके का है. एक तो है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक. ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. लीनियर जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है वन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस 3 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां क्या है? 1 है. तो ये पॉलिनोमियल हो गया लीनियर. क्वाड्रेटिक जो ये एग्जाम्पल था जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. क्यूबिक, सपोज मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, ये वैल्यू है. तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3. तो ये क्या कहलाया जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इससे ज्यादा अगर पावर है, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट इससे ज्यादा अगर पावर है तो हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल हैविंग पावर 4, 5 या फिर 6, कोई स्पेशल नाम उसका नहीं है. ठीक है, सो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्लियर है बात? चलो जी, इसके बाद क्या करेंगे हम? पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को लिखते हुए जनरली हम क्या लिखते हैं? पी ऑफ एक्स, या जो भी कोई और अल्फाबेट यूज करना चाहो आप. ठीक है, सपोज एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, इस तरीके से. ठीक है, कौन सा है? डिग्री के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक, टर्म्स के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल. तीन टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हैविंग 3 टर्म्स. ओके, अगर मैं एक्स की कोई वैल्यू रखता हूं, सपोज मान लीजिए मैंने 4 रख दी, एक्स इक्वल टू 4 है. ठीक है, सो पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या होगी? कैसे पता करूंगा? जहां जहां एक्स है, वेरिएबल की वैल्यू 4 है, तो वेरिएबल की जगह 4 रख दूंगा. ठीक है, सो ये क्या आएगी? 2 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस 7, कैलकुलेट करो, 32 माइनस 24 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है, सो
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन एक्स इज 4 इज इक्वल टू 1, इसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, या तो गिवन होगा, मैंने एग्जांपल लेने के लिए, एग्जांपल देने के लिए ले ली। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे वो पूछेगा तो आपको एक्स की वैल्यू देगा, ठीक है, या फिर वो आपको यूं दे सकता है कि एक्स का कोई कांस्टेंट वैल्यू है के, ठीक है, और वो एट एक्स इक्वल्स टू के वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, यानी कि आपको क्या मिलेगा, पी ऑफ के इक्वल्स टू 1, तो फाइंड आउट के, के की वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप के रखोगे इस जगह 2k² - 6k - 7 = 1, अब ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व कर लोगे के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, मेथड जो भी लगाना हो सीख लेंगे हम, ठीक है, मेथड जो भी हैं वो हम सीख लेंगे। मैं अभी एक आपको यूं बता रहा हूं कि क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आ सकते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू, जो भी वेरिएबल आपको गिवन हो, जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, वो उसमें पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, चलो, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज यू हैव ए पॉलिनोमियल, आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² - 5x + 6, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना करके मैं करता हूँ -7x, ठीक है, एग्री, ये पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, 3 टर्म्स हैं, तो कौन सा हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, चलो, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1 क्या होगी, 1² - 7 × 1 + 6, दिस विल बी 7 - 7 = 0। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू 0 हो गई, तो ये जो 1 है ना, एक्स की ये जो वैल्यू है, इसको मैं क्या बोलूंगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दिस विल बी योर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये वेरिएबल की वो वैल्यूज होंगी जहां पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है। इसको कैलकुलेट करो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 6 + 1 7, 7 - 7 × 1 = 7, 7 - 7 = 0, ठीक है, ठीक है भाई। सो वेरिएबल की वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दें, उनको हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सिंपल सिंपल, अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं, मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x - 6, ठीक है, और यहां भी लिखता हूं x इक्वल्स टू 1, सो पॉलिनोमियल एट x, वैल्यू पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 6 × 1 - 6, दिस विल बी 6 - 6 = 0, सिंपल। ठीक है, अगर आपसे यूं कहा जाए, अब ये जीरो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है, अब आपसे यूं कहा जाए कि किसी कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है, सपोज आपको पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 4, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जीरो आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सपोज इसका जीरो, जीरो क्या होगा, x की वो वैल्यू जो इसको जीरो कर दें, यानी कि p ऑफ x को 0 कर दें, ठीक है, सो p ऑफ x है क्या, 2x - 4 = 0, सो 2x = 4, x = 4/2, यू विल गेट 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 फाइंड आउट करना है, तो उठा के पॉलिनोमियल को ही किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो, और x की वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लो। अब क्योंकि ये लीनियर था तो सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक है तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास तरीके हैं,
ठीक है, जैसे फोर्थ चैप्टर नहीं है उसमें सीखेंगे हम वो सारे तरीके कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। एक नाइन्थ में भी सीख चुके हो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। चलो क्लियर है, जीरो पॉलिनोमियल, अरे हाँ है ना, ठीक है। एक चीज और दिखाता हूं, इसमें जीरो पॉलिनोमियल है x इक्वल टू वन इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू वन पुट करते ही इस पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है जीरो। अगर मैं इस वन को इधर ले आऊं तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x माइनस वन मेरे पास एक और पॉलिनोमियल आ गया। दिस पॉलिनोमियल विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑलवेज, ये इसका फैक्टर होगा। और मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कैसे फैक्टर, डिवाइड करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, डिवाइड करो इसको x माइनस वन से, तो x एक्स स्क्वायर माइनस x, ठीक है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, प्लस सिक्स ऊपर से उतार लेंगे, तो अब माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स माइनस वन प्लस सिक्स बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट, यू विल गेट जीरो, रिमाइंडर जीरो मिला। इसका मतलब ये जो है ये फैक्टर है इसका, ठीक है। और ये फैक्टर क्यों है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वन वो है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये रिलेशन होता है इनमें, जो जीरोज होंगे उनको x की तरफ ले जाओगे आप लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर वो जो आपके पास एक नया पॉलिनोमियल आया, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। एग्री, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। अब बताओ बुक में से, ये था बेसिक चीजें जो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले सभी को आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बताओ, बुक दे दो मेरे को एक, ठीक है ठीक है ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है कि अगर हम इनको ड्रॉ करें, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अपने पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वस टू टू एक्स माइनस थ्री कर लेता हूँ, टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, या कोई एग्जैक्ट नंबर ले लेता हूँ, टू एक्स माइनस फोर ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है मेरे को, इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए y इक्वस टू टू एक्स माइनस फोर, हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे, x और y की वैल्यूज और पुट करते जाएंगे, है ना, ठीक है। सो x की वैल्यू जीरो पुट की, y की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी, x की वैल्यू टू पुट की, y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, x की वैल्यू थ्री पुट की तो ये टू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको, इसको ड्रॉ कर, ये नाइन्थ में सीखा था ना, x y कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, ये ओरिजिन हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, नंबर्स लिख लेते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स उठाएंगे, पहला क्या है जीरो माइनस फोर, माइनस फोर तो y की वैल्यू नेगेटिव में भी नंबर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कोई फोर नीचे आ जाएगा मान लो, ठीक है। तो जीरो माइनस फोर यानी कोई यहाँ मान बिल्कुल कोने पे लगा लेता हूँ, मान लो यहाँ माइनस फोर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू जीरो, यानी x की वैल्यू टू है y की जीरो है, तो ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है थ्री टू, यानी x थ्री है y टू है, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ, ठीक है। अब इनको मिलाइए आप, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते भी इसीलिए हैं, क्योंकि इसको जब ड्रॉ करोगे आप ग्राफ पे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा ना इसको, बिकॉज इट्स डिग्री इज हाईएस्ट डिग्री इज वन, तो क्यों इसका नाम लीनियर इसलिए ही है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कहां कट करती है, टू जीरो पे, अंकुश बोल के आइए इनको, उधर ले जाओ इसको,
ठीक है, कि उधर उधर खेल लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये लाइन कट करती है 2-0 पॉइंट पे, ठीक है, एग्री। चलो अब ये जो वाई पॉइंट है ये एक्चुअली है क्या, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है कहां पे, एक्स इक्वल्स टू टू पे। तो टू क्या हो गया इसका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स इक्वल्स टू टू जीरो पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि x इक्वल्स टू टू पे p ऑफ टू यानी कि y इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। ठीक है, और किसको कट कर रहा है इस पॉइंट पे, x एक्सिस को कट कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इनका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि ये वो पॉइंट्स होते हैं वो वैल्यू में संख्या में जितनी बार जो पॉलिनोमियल का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस को कट करता है। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो केवल एक ही होगा, जो कि क्या है इस केस में अपने पास टू है, और वो जीरो होगा क्या जब कट करती है एक्स एक्सिस को ये लाइन, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगी, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका आपको एक ही जीरो मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो स्क्वायर की फॉर्म में, मान लो यही होता है 2x² - 4x + 6 है, ठीक है, ये वैल्यू है 2x² - 4x + 6 है। ठीक है, मैं तो चला दूँ पर वो नहीं है, डेटा ख़राब होगा, ठीक है ना, कहीं ये चलता चलता बंद ना हो जाए, ध्यान देखना इसकी तरफ। ठीक है, सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या वैल्यूज होंगी, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उस पॉलिनोमियल का उतने नंबर ऑफ जीरोज आपको उस पॉलिनोमियल के मिलेंगे। तो क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर सकता है, एक ही जीरो मिलेगा आपको उसका। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ मिलता है आपको पैराबोला की फॉर्म में, या तो इस तरीके से मिलेगा या फिर इस तरीके से मिलेगा। अरे ये हॉट गर्ल प्लांट विकेट ये करते रहते हैं लोग फालतू, जो साइट्स है ना वो, इसकी तरफ मत देखो बेटा, डिस्टरबेंस हो रहा है, तुम सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, हम आज पहली बार लाइव कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें, बट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, छोड़ो उसको। ओके, मैं क्या बता रहा था, हाँ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ जो है वो आपको एक पैराबोला मिलेगा। पैराबोला क्या होता है वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप इसको मानो इन्वर्टेड यू है, ये एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, यू है, यू वेव मान लो, ठीक है, हाँ पैराबोला। तो ये या तो आपको इस तरीके से मिलेगा ऊपर की तरफ खुला हुआ या फिर नीचे की तरफ खुला हुआ। तो ये एक्स एक्सिस को देखो दो तरीके से कट कर सकता है, दो तीन तरीके से, एक तो ये कि ये टच ही ना करे, ठीक है, तो उस केस में इसके जीरोस क्या होंगे, कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरोस, ठीक है, टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि जीरोस क्या होंगे जितनी बारी एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो अगर ये टच ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, इसका मतलब नो जीरोस, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, इसका मतलब
एक जीरो होगा, ठीक है, एक जीरो होगा। मैक्सिमम ये है दो ही जगह कट कर सकता है, तो मैक्सिमम इसके जीरो कितने हो सकते हैं, टू, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसके मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं टू, मिनिमम जीरो हो सकता है, वो टच ही ना करे तो एक भी जीरो नहीं होगा, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं टू, जितनी उसकी डिग्री है, ठीक है। ऐसे क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, तीन, तो उसके मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं तीन, मिनिमम जीरो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जितनी डिग्री होगी पॉलीनोमियल की उतने ही आपको जीरो मिलेंगे, और ये ग्राफ में ड्रॉ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ड्रॉ करना आपके सिलेबस में है नहीं, अगर वो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ग्राफ दिया होगा और उसमें देख के आपको बताना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, इससे सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ ए पॉलीनोमियल। जीरोज और जो कोफिशियंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो बताता हूं आपको। ठीक है, सिंपल से शुरुआत करते हैं। कोई लीनियर पॉलीनोमियल है अपने पास, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5 है, ठीक है, और इसका जीरो फाइंड आउट करना है मुझे। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, सो 2x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 बाई टू, x इक्वल्स टू 5 बाई टू, ठीक है। अगर मैं जनरल टर्म्स में लिखूं तो ये क्या है, ax माइनस b, ax माइनस b, ठीक है। तो b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, ऐसा ही आया है या नहीं आया, ऐसा ऐसा ही आया ना, ठीक है, एग्री, पक्का, चलिए। बट साइन माइनस का नहीं आया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ या कांस्टेंट टर्म, ये तो कांस्टेंट टर्म आई ना, कोफिशियंट तो आएगा ही नहीं यहां पे, बी वाली तो कांस्टेंट टर्म है ना, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, आया ना, ये बात समझ आई या नहीं। अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलीनोमियल है तो उसका जो जीरो है वो आपको जीरो और उसके जो कोफिशियंट्स हैं, देखिए यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है टू और कांस्टेंट वैल्यू है फाइव, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। तो लीनियर के लिए रिलेशन क्या है कि आपको जीरो मिल जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म रखो और कोफिशियंट ऑफ एक्स रख दो, ठीक है। सो अगर मेरे पास जैसे जर्नल में लिखूं तो ए एक्स प्लस बी है मेरे पास एक पॉलीनोमियल, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो जीरो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाय ए, माइनस ऑफ बी बाय ए, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म बी है, कोफिशियंट ए है, ठीक है। और कैलकुलेट करके देखो यही वैल्यू आएगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, सो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, सिंपल, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो उसमें कोफिशियंट्स और जीरोज में क्या रिलेशन होगा, क्वाड्रेटिक है तो उसमें जीरोज कितने फाइंड आउट कर सकते हो मैक्सिमम, आप दो, दो जीरोज फाइंड आउट होंगे ना, ठीक है। सो सपोज दो जीरो फाइंड आउट किए, एक्स अल्फा और एक्स बीटा, अल्फा बीटा ये दो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं जिनको जनरली हम यूज करते हैं वेरिएबल्स शो करने के लिए, ठीक है। सो अल्फा और बीटा दो जीरोज आपने फाइंड आउट किए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जर्नल जर्नल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आया ना, ठीक है। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू अल्फा जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, यानी कि एक्स माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो गया, आया ना।
एक्स इक्वस टू बीटा भी एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, ये बात समझ आ रही है ना, कोई डाउट इसमें नहीं? तो x माइनस बीटा भी एक फैक्टर हो गया इसी पॉलिनोमियल का, है ना। a b और c ये क्या हो गए, कोफिशियंट्स हो गए, कोफिशियंट्स हो गए ना इसके, ठीक है। और जीरोस क्या हो गए, अल्फा और बीटा, और ये हो गए फैक्टर्स। यानी इन फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कोफिशियंट आ जाए, वो पॉलिनोमियल आ जाएगा दोबारा से। तो इनको मल्टीप्लाई करूं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। मान लो हो सकता है कोई कॉमन टर्म जो हो कांस्टेंट, वो हो सकता है कम या ज्यादा हो, तो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि ये किसके बराबर आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा, सो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा जी, के से मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर, ये जो है कॉमन ले लेता हूँ, माइनस के एक्स, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, के मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में एक्स भी है, एक्स भी कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से अल्फा प्लस बीटा दोनों प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और जो कॉन्स्टेंट है, इनको कंपेयर कर लेता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, के, और वहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए, यानी के इक्वस टू ए आ गया, के इक्वस टू ए है, कोई डाउट इसमें नहीं, के इक्वस टू ए आ गया, ठीक है जी। दूसरा x का कोफिशियंट क्या है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और उधर x का कोफिशियंट क्या है, b, ठीक है। इस माइनस को कंपनसेट कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं, तो k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b, दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या है, 1, k को पहले उधर ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय k, और k की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस बी बाय a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये दो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इनका सम किसके बराबर होगा, माइनस बी बाय a। ये एक रिलेशन हो गया कोफिशियंट्स और जीरोज में, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, ये ना लीनियर में दो जीरोस कहां मिलेंगे हमें, लीनियर में तो एक ही जीरो मिलेगा ना, ठीक है। अच्छा, अब कंपेयर कीजिए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा बीटा और के टाइम्स अल्फा बीटा, ये भी तो के से मल्टीप्लाइड है ना, यहां लिखा नहीं हमने, ठीक है, के अल्फा बीटा, और इधर क्या है, सी, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय के, और सी के की वैल्यू क्या है, ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, सी भी कोफिशिएंट है और ए भी कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अल्फा बीटा अगर आपके जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल्स टू सी बाय ए ऑलवेज, ठीक है। तो जो दो जीरो मिलेंगे आपको इस पॉलिनोमियल के, उनका सम आपका इन कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होगा नेगेटिव में, और जो प्रोडक्ट है वो इन कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होगा, गॉट इट, कोई डाउट इसमें। डिराइव करके मैंने दिखा दिया आपको, ये बेधड़क यूज करना है आपको, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसमें, चलो कोई क्वेश्चन बोलो। हाँ हाँ, इसी एक्सरसाइज का, इससे आगे कोई एक्सरसाइज होगी ना इस टॉपिक से आगे, एक मिनट मेरे को बताओ पेज नंबर बोलो, एक मिनट, इनको यूज करते हुए करना है ना मेरे को, चलो मैं बताता हूँ एक, ठीक है जी, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स, ठीक है।
तो देखिए 2.2 एक्सरसाइज का, और कौन सा बताऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा पर फर्स्ट बता दूं? ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा ही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है कि जीरोज फाइंड आउट कीजिए और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स वो शो कीजिए, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो पहले इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वो कैसे करते हैं हम, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दो टुकड़े इसके ऐसे करने हैं कि माइनस 2x आए और प्रोडक्ट माइनस 8 आए, तो आप कर दो माइनस 4 और 2। ठीक है, माइनस 4x और मल्टीप्लाई 2x करूंगा तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि ये है, और माइनस 4x प्लस 2x करूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, जैसा कि मिडिल टर्म है। ठीक है, यानी कि अब मैं मिडिल टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, और x कॉमन ले लो यहां से, x x माइनस 4 प्लस 2 यहां से कॉमन ले लोगे x माइनस 4, सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, दो फैक्टर आ गए। इन दो फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखूंगा, यानी x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, ये क्या आ गए, जीरोस, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, समझ नहीं आया तो दोबारा बताऊं, इजी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें शो करना है कि पॉलिनोमियल्स के, पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो कोफिशिएंट्स क्या है, देखिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 2 और c की वैल्यू क्या है माइनस 8। और हम जानते हैं कि जीरोज अपने ये हो गए 4 और माइनस 2, और हम ये जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया हमने। तो सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं, तो 4 प्लस माइनस ऑफ 2 यानी 4 माइनस 2 आपके पास आना चाहिए 2, सम ऑफ जीरोज, और ये फाइंड आउट करते हैं माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 2 और a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस ऑफ माइनस 2 यू विल गेट 2। ठीक है, सो हुआ या नहीं वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 4 इंटू माइनस 2 कितना आएगा माइनस 8। कोफिशियंट्स, कोफिशियंट्स के रिलेशन में ये क्या आएगा, सी बाय ए, वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस 8, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 1, ये भी क्या मिलेगा आपको माइनस 8, सेम है दोनों। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन कर दिया हमने कि सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाय ए। इससे सर वो हमने ये 4 माइनस 4 और 2 करके ये निकाला, ये माइनस 4 और 2 ये फैक्टर्स लेके हमने क्या किया, इसके जीरोज फाइंड आउट किए, फिर इसकी जगह सीधा वैल्यू लेके ये कूटना कर देते। कौन सी वैल्यूज, ये नहीं ये वाली, तो जीरो फाइंड आउट करने तो थे ना हमें, इन ये करते कहां से जब हमारे पास जीरोज ही नहीं है, जीरोज थोड़ी ना थे पहले हमारे पास, तो एक रिलेशन था ना, मतलब पॉलिनोमियल था ना क्वाड्रेटिक, ये जीरोज तो थे नहीं हमारे पास। ठीक है, पहले हमने जीरोज फाइंड आउट किए हैं, इसके कोफिशियंट्स तो हमें पता चल जाएंगे इक्वेशन देख के ही, ये पॉलिनोमियल देख के ही पता चल जाएंगे ए बी और सी। ठीक है, कोफिशियंट्स तो हमें यहां से मिल गए, ठीक है जी, तीनों कोफिशियंट्स आ गए हमारे पास, बट हमारे पास जीरोज नहीं है, तो जीरोज फाइंड आउट करेंगे हम पहले, फिर शो करेंगे कि जीरोज में और कोफिशियंट्स में रिलेशन क्या है। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज का सम विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाय ए, बोल दिया करो भाई पीछे पीछे। ठीक है, और ए बी और सी हैं क्या कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई दूसरा क्वेश्चन करूं, एग्री हो, फिफ्थ पार्ट करवा दूं इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा भाई, पूछने दो।
ओके ओके टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें तीन टर्म्स हैं भी नहीं, हम इसको वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। जीरोज हम इसके डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 और टी इक्वल्स टू रूट 15 प्लस माइनस, तो टू इक्वल्स टू प्लस रूट 15 एंड टी इक्वल्स टू माइनस रूट 15। दो जीरोज आ गए अपने पास। प्लस हम शो नहीं करते क्योंकि कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू अगर होगी तो हम उसके आगे नेगेटिव साइन शो करेंगे, ठीक है। तो जीरोज अपने पास आ गए, ये मान लो अल्फा है अपना और ये मान लो बीटा है अपना, ठीक है। चलिए इसके कोफिशेंट्स देखिए, ए का कोफिशेंट टी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है ए, ठीक है। जनरल अपनी इक्वेशन लिख लो एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली, और वो यहाँ क्या है? वन। बी क्या है? जीरो, क्योंकि बी टर्म ही नहीं है यहाँ, एक्स की कोई टर्म नहीं है यहाँ। और कोई टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि कोफिशेंट जीरो रहा होगा। एक्स अगर बी से मल्टीप्लाई है और बी जीरो है तो बी इंटू एक्स जीरो, इसीलिए वो टर्म है नहीं यहाँ, यानी वो कोफिशेंट क्या हो गया? जीरो। तो बी जीरो है यहाँ। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 15 है ना, ठीक है। अब जीरो अपने पास, दोनों जीरोज हैं अल्फा बीटा, और अपने पास कोफिशेंट्स हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ जीरोज इधर लिखता जाऊंगा मैं, और बी और ए की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। सम ऑफ जीरोज माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, क्या आ जाएगा? जीरो। और बी बाय ए लिखिए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो बाय वन यू विल गेट जीरो। जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग यू विल गेट जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नंबर होगा जीरो मिलेगा आपको। जीरो बाय जीरो करेंगे जीरो आएगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा बेटा, अनडिफाइंड फॉर्म है वो बाद में डिस्कस करेंगे 11th क्लास में, ठीक है। अभी डोंट बॉदर योर सेल्फ, क्यों आएगा कैसे आएगा वो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चिंता मत करो, बताऊंगा वो भी। ओके, अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है सी बाय ए, ठीक है। तो यहाँ दोनों जो जीरोज हैं अपने वो क्या हैं? एक तो रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 15 आएगा या नहीं? और सी की वैल्यू क्या है देखिए? माइनस 15। और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो माइनस 15 बाय 1 यू विल गेट माइनस 15। तो ये भी इक्वल है, वेरीफाइड, ठीक है, एग्री। चलो जी, लास्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम, हाँ, इसमें डिवाइड करेंगे हम पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। और इसको यूज क्यों करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को यूज क्यों करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए? फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, वेरी गुड। फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं एक्चुअली में हमें, और उन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसका डिवीजन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं पढ़ी थी आपने फर्स्ट चैप्टर में, वैसा ही मिलेगा। देखो, कोई एक एग्जांपल शो करता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल 6 ही कर दूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2, ऐसा ही है ना? 3x प्लस 1 और डिवाइड बाय x प्लस 2, ठीक है, 3x, ठीक है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करता हूं मैं, कैसे डिवाइड करूंगा? देखिए, डिवाइड करने के लिए एक सिंपल चीज ध्यान रखनी है आपको, आपको ये 2 नहीं देखना है पहले, पहले आपको देखना है ये वेरिएबल। इसको लिखना भी इसी फॉर्म में, उल्टा सीधा लिखा हो ना तो भी आपको लिखना इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो आपने लिखा एक्स, एक्स को देखा, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x स्क्वायर आ जाए? ये टर्म मुझे इलिमिनेट करनी है बिल्कुल, इसको हटा मुझसे, 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x मल्टीप्लाई एक्स यू विल गेट 2x स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी इलिमिनेट। बट इस 2x को मुझे इस 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, पहले तो हम इसको इग्नोर कर रहे थे, बट अब इसको हमें ध्यान में रखना है कि ये जो
वैल्यू है ये 2 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो 2x इंटू 2 4x, साइन वही आएगा जो इन दोनों का साइन होगा, दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके ये भी पॉजिटिव आया। ठीक है, अब हम डिवीजन में एक्चुअली करते क्या है, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो दोनों सेम साइन की है, कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव है और इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, बट ये वैल्यू बड़ी है, तो 3-4 यू विल गेट -1 और -1 मल्टीप्लाई एक्स यू विल गेट एक्स, सो -x, वन शो नहीं करते हम जनरली। ठीक है, एक्स तो वेरिएबल है ना, चलो ये एज इट इज उतार लेंगे, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से मुझे एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, कि -x आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 से, तो -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 2 -2, तो ये वैल्यू फिर प्लस हो जाएगा, -, ये कैंसिल आउट और ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 = 3, ये रिमाइंडर आ गया। अब मैं इससे आगे डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मैं डिवाइड करते हुए देख रहा हूं किसको, एक्स को, और एक्स की डिग्री यहां क्या है, 1, तो इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल जब यहां आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा। हाँ, तो एक्स की वैल्यू यहां क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आया, यानी एक्स की पावर 0 है, यानी कि 1 से तो कम हो गई पावर इसकी, तो यहां पर फिर मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, नंबर्स में हम क्या करते हैं, जब डिवाइजर से छोटा नंबर आता है तो रुक जाते हैं, बट यहां हम क्या चेक करेंगे, एक्स की पावर, एक्स की जो पावर होगी उससे कम आ जाएगी यहाँ पावर जब एक्स की, तो हम रुक जाएंगे। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता और यहाँ 3x आता तो भी हम रुक जाते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अच्छा, यूक्लिड्स डिविजन लेमा जो शुरू में हमने पढ़ी थी, आपके पास दो नंबर्स थे ए और बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा था या नहीं, उसमें आर के लिए कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी थी या नहीं, तो इसमें देखिए कंडीशन क्या होगी और इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अगर इसको मैं पी एक्स मान लूं डिविडेंड को, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा अपना जी ऑफ एक्स इंटू, ये आया अपना क्यू ऑफ एक्स कोशेंट, और नीचे जो बचा वो क्या है अपना आर ऑफ एक्स, सेम है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविजन लेमा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, अब मैं इसमें अगर ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे वापस पी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, करके दिखाऊं, देखिए जी एक्स क्या है अपना एक्स प्लस टू, ठीक है, क्यू एक्स क्या है अपना 2x - 1, प्लस में रिमाइंडर 3 है, मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 2x2। अरे जी जस्ट ए वेरिएबल, कोई फुल फॉर्म नहीं, वैसे इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू यहां रखी है इसको हम डिवाइजर बोलेंगे। ठीक है, सो एक्स मल्टीप्लाई 2x2 x इंटू -1 - x, 2x into 2 + 4x, 2 into -1 - 2 + 3, 2x2 4x - x + 3x, 3 - 2 + 1, देखो वही है क्या, सेम है। ठीक है, तो ये सिर्फ वही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम जो नंबर्स में यूज कर रहे थे यहां हम इसको नाम अलग दे देंगे, क्या, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो, अच्छा इसमें बताना क्या था, मैं भूल गया किस लिए पूछा था, इक्वल 0 से कम और इक्वल है। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए एक कंडीशन और बतानी थी, एक तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा आर एक्स जो होगा ना, आर एक्स इसके ऊपर कंडीशन क्या होगी, क्या होगी, या तो इसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, डिग्री की बात कर रहा हूं, डिग्री ऑफ आर एक्स लिख देता हूं DEGREE डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स यानी रिमाइंडर की डिग्री या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स की जो डिग्री होगी उससे कम आएगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, अच्छा इसका फायदा ये होगा हमें कि इससे हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे ये तो क्या था, इसको तो हम, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो इसके फैक्टर्स तो हम मिडिल टर्म
स्प्लिट करके ही फाइंड आउट कर लेते, बट अगर क्यूबिक होता, क्यूबिक होगा और उसमें एक तो आपको गिवन होगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है उसमें एक आपको गिवन होता है फैक्टर, तो उससे आप डिवाइड करोगे तो जो जो ऊपर आएगा क्वोशेंट वो क्वाड्रेटिक आएगा, उसके फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप सोल्व करके तीनों फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ क्यूबिक सिलेबस में है, क्यों नहीं है? हाँ बस डिवीजन एल्गोरिथम के लिए ही है, और किसी काम के लिए नहीं। जैसे ये रिलेशनशिप था ना जीरोज और कोफिशेंट्स में, उसमें नहीं है, डिवीजन के लिए है। डिवीजन के लिए तो आपको पावर फोर वाला भी मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या है कि दो आपको गिवन होंगे, दो और फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है, तो आपको डिवाइड ही करना है, तो उसमें कोशेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाएगा, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप दो और फाइंड आउट कर देंगे। क्यूबिक है तो आपको एक दिया होगा फैक्टर, तो उससे डिवाइड करोगे तो यहां फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, एक्स की पावर फोर, हाँ तो फिर उसका क्यूबिक आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगा यहां, नहीं क्यूबिक नहीं आएगा ना, फिर तो आप फाइंड आउट करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है दूसरा, तो आपको दो ही फैक्टर मिलेंगे, तो यहां आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा, तो उससे डिवाइड करोगे यहां भी क्वाड्रेटिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आंसर उसको भी आंसर चाहिए ना, कोई ऐसे सिचुएशन, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना देगा जो कि आंसर फाइंड आउट ही ना कर सको आप, ऐसा थोड़ी नहीं, ठीक है। कोई और बताऊं इसमें या कल डिस्कस करें और, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स करके देख लेना फिर कल देख लें, ठीक है। कोई नहीं है, काय के जी HD में गई होगी। Are you sure that you want to stop streaming? Okay. 59A